नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। तो चलिए देखते हैं कि आज वंदना जी अपनी रसोई में क्या बनाने वाली हैं। जी हाँ, आज वंदना जी बनाने जा रही हैं आलू पालक मसाला पूरी की रेसिपी, और उसके साथ खाई जाने वाली एक बहुत ही चटपटी सी पम्पकिन के सब्जी, जो बनाने में बहुत ही आसान होगा, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होगा। तो चलिए मैं इसे बनाना शुरू करती हूँ। मैं इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले मैं पूरी के लिए आटा गूँथ कर रेडी करूँगी। आटा गूँथने के लिए मैंने लिया है 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं, जिसको मैंने बॉयल करके छील लिया हुआ है, और साथ ही लिया है मैंने 1/2 कप के जितना पालक, जिसको मैंने ब्लांच करने के बाद इसे ग्राइंडर जार के अंदर डाल के इसके फाइन पेस्ट बना लिया हुआ है, और लिया है मैंने 1 कप गेहूं का आटा है, वीट फ्लार है, और साथ ही लिया है मैंने कुछ मसाला, जिसमें है 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून लिया है मैंने कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून भुना हुआ जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून लिया है मैंने ड्राई मैंगो पाउडर, आमचूर का पाउडर है, 1/4 टीस्पून ड्राई सौंठ का पाउडर है, ये अदरक का पाउडर है। अगर आपके पास अदरक का पाउडर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, या फिर फ्रेश अदरक को ग्रेट करके डाल सकते हैं। और लिया है मैंने 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, साथ ही मैं लूँगी टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट। तो चलिए सबसे पहले मैं आलू को ग्रेट कर लेती हूँ इस ग्रेटर के सहायता से। मैंने आलू को ग्रेट करके रख लिया है। अब मैं इसमें डाल दूंगी पालक, पालक डालने के बाद मैं डालूंगी इसमें जो मैंने मसाला लिया था, वो सभी मसालों को मैं डाल दूंगी। साथ ही मैं डालूंगी वीट फ्लार। वीट फ्लार डालने के बाद मैं डालूंगी इसमें स्वाद के हिसाब से नमक। मैंने पालक के अंदर भी हल्का सा नमक डाला हुआ था। मैंने 1/2 टीस्पून सॉल्ट डाला है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से, क्वांटिटी के हिसाब से डालेंगे। तो चलिए मैं इसे अब गूँथ कर तैयार कर लेती हूँ। मैंने आटा लगाकर रेडी कर लिया है। अब मैं डाल दूँगी इसमें बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल, जिस ताकि आटा अच्छी तरीके से ग्रीस हो जाए। आटा को मैंने ग्रीस कर दिया हुआ है। अब मैं आटे को ढक के रख दूंगी 1/2 घंटे के लिए। जब तक ये रेस्ट कर रहा है, तब तक मैं सब्ज़ी बनाकर रेडी कर लेती हूँ। सब्ज़ी बनाने के लिए मैंने गैस को ऑन कर दिया हुआ है। इसके ऊपर मैंने कढ़ाई चढ़ा दिया है। कढ़ाई में मैंने लगभग 1 टेबल स्पून जितना ऑयल डाला हुआ है। ऑयल जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए, तब मैं डालूँगी इसमें मेथी दाना। मेथी दाना को मैं अच्छी तरीके से क्रैकल होने दूंगी। मेथी दाना अच्छी तरीके से क्रैकल हो जाए, उसके बाद मैं डालूंगी कुछ मसाले, जिसमें हैं 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1/2 टीस्पून ड्राई रोस्ट किया हुआ क्यूमिन सीड पाउडर, जीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून जिंजर पाउडर, 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर, और 1/4 टीस्पून टर्मरिक पाउडर। इन सभी मसालों को मैं डाल दूंगी। मसाला डालते समय गैस का फ्लेम जो है लो कर दें, ताकि मसाले जो है जले नहीं। इनको मैं हल्का सा फ्राई कर लूंगी मसाले को। उसके बाद मैं डाल दूंगी सब्जी। मैंने पम्पकिन 1 केजी पम्पकिन लिया था, जिसको मैंने अच्छी तरीके से छीलने के बाद इसे धो लिया था। धोने के बाद मैंने इसे रफली चॉप कर लिया हुआ है। अब मैं इसे मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट तक इसे ऐसे ही चलाते हुए फ्राई कर लूँगी। मैंने सब्जी को 2 मिनट तक फ्राई कर लिया हुआ है। अब मैं इसमें डाल दूँगी टेस्ट के हिसाब से नमक। मैं डालूँगी 1/2 टीस्पून सॉल्ट।
सॉल्ट डालने के बाद मैं इसे अच्छी तरीके से चला दूंगी। चलाने के बाद मैं इसे ढक दूंगी। सब्जी को पकते हुए लगभग 2 मिनट हो चुका है लो फ्लेम पे। अब इसे स्टेज पे डाल दूंगी मैं, बिल्कुल 1 टेबल स्पून जितना पानी, गरम किया हुआ पानी, ताकि सब्जी जो है नीचे से जले नहीं। और इसे मैं अच्छी तरीके से चलाने के बाद इसे मैं ढक दूंगी। ढक के इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने दूंगी। सब्जी को पकते हुए लगभग 5 मिनट हो चुका है। सब्जी जो है 90% तक पक चुकी है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इस स्टेज पे डालूंगी 1 बड़े साइज़ का गुड़ है। आप चाहें तो इसकी जगह चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसको तोड़ के डाल दूंगी। 1/4 टीस्पून ब्लैक सॉल्ट, साथ ही मैं डालूंगी ड्राई मैंगो पाउडर, आमचूर का पाउडर है ये, लगभग 1/2 टीस्पून। और अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से चला दूंगी। चलाने के बाद मैं इसे ढक दूंगी। ढक कर इसको 2 से 3 मिनट तक इसे पकने दूंगी। सब्जी को पकते हुए लगभग 3 मिनट हो चुका है। तो चलिए मैं इसे एक बार चेक कर लेती हूँ। गुड़ जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से मेल्ट हो चुका है। तो अब मैं इसे स्टेज पे डाल दूंगी, बिल्कुल 1/4 टीस्पून गरम मसाला। उसके बाद मैं डालूंगी इसमें कोरिएंडर लीफ, धनिया का पत्ता। अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छी तरीके से मिला दूंगी। मिलाने के बाद मैं इस सब्जी को गैस से नीचे उतार दूंगी और इसी चूल्हे के ऊपर मैं चढ़ा दूंगी फ्राई पैन। फ्राई पैन चढ़ाने के बाद मैं फ्राई पैन में डाल दूंगी ऑयल। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया हुआ है, आप जो भी कुकिंग ऑयल खाते हैं वो आप डाल सकते हैं। जब तक तेल गर्म हो रहा है तब तक मैं पूरी को बेलकर रेडी कर लेती हूँ। पूरी बेलने के लिए सबसे पहले मैं बेलन में ऑयल लेकर थोड़ा सा लगा लूँगी, ताकि पूरी जो है चिपके नहीं। इस लोई के अंदर मैं लगा दूँगी बिल्कुल हल्का सा ऑयल। ऑयल लगाने के बाद मैं इसे अब पूरी बेलकर इसका रेडी कर लेती हूँ। ना तो ज़्यादा पतला बेलना है, ना ही ज़्यादा मोटा बेलना है। और इधर तेल भी गर्म हो चुका है, तो चलिए अब मैं पूरी को फ्राई कर लेती हूँ। पूरी डालते समय तेल जो है अच्छी तरीके से गर्म होना चाहिए और गैस का फ्लेम जो है मीडियम कर दे पूरी डालने के बाद। और इसे अच्छी तरीके से इस तरह से पूरी के ऊपर तेल डालते हुए पूरी को फ्राई करें, ताकि पूरी जो है अच्छी तरीके से फूलकर रेडी होता है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसे दूसरी तरफ पलट दूंगी और दूसरी तरफ भी मैं इसे 1 से 1.5 मिनट तक फ्राई होने दूंगी। तब तक ये जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक मैं दूसरा पूरी जो है बेलकर रेडी कर लेती हूँ। मैंने इसे दोनों तरफ से अच्छी तरीके से गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया हुआ है, तो चलिए मैं इसे निकाल देती हूँ और इसी तरीके से मैं दूसरा पूरी डाल देती हूँ। इस तरह से मैंने इस आलू पालक पूरी को खट्टे मीठे पम्पकिन के सब्जी के साथ सर्व कर दिया है, और साथ ही मैंने थोड़े से कुकुम्बर भी लिए हुए हैं। प्लीज़ आप एक बार मेरे तरीके से, मैंने जिस तरह से
आलू पल्लव पालक मसाला पूरी को बनाया है, और मैंने जिस तरह से खट्टे मीठे पम्पकिन की सब्ज़ी को बनाया है सेम तरह से सेम तरीके से आप भी इसे बनाकर खाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी बनाने और खाने में कैसी लगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे इस रेसिपी को एक लाइक करें, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली एक नई और हेल्दी रेसिपी आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।